أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم everyone. Today is our 13th session, or before that we have completed our grand project as well. So today is a new day. So let's start with the new thing. All right. अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो so far we have concentrated on the procedural programming. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोई एडवाइस करना चाहे? व्हाट इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग? जी एनीवन? और चले अगर आप लोग ने बताया तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है. देखिए इफ यू यू नो इफ यू हैव फ्लैशबैक तो आप देखेंगे कि हमने जितने भी कोड जो है वो ड्राफ्ट किए हैं या अपने टास्क को जो कैरी आउट किया है उसको हमने पर्टिकुलर सीक्वेंस में किया. फॉर एग्जांपल अगर आप लूप देखें तो लूप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है. पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, सेकंड होता है एंड थर्ड होता है. अगर आप इन्हीं जो हमने कोड लिखे हैं इनको अगर आप किसी स्ट्रक्चर में जो है वो रैप कर दें तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं. तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है? फिर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है. पहले फर्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा फिर सेकेंड एंड थर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई, अगर मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to, लेट सपोज मैं रेंज में, रेंज फंक्शन, रेंज एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आप बता देंगे कितना रेंज आपने दिया तो वो आपको टोटल वैल्यूज दे देगा उस रेंज के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए. रेंज में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है तो ये 1 से लेकर 9 तक आपको चलेगा और 1 by 1 से. ठीक है, पहले 1 आया 2 आया 3 आया 5 आया 6 आया 7 आया 8 आया एंड 9. तो दिस इज अ प्रोसीजर प्रोग्राम. अगर इसी को मैं रैप कर दूँ स्ट्रक्चर में तो वो हमारे फंक्शन हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है वो आपको बताती है कि आपका जो टास्क परफॉर्म होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में परफॉर्म होगा. ठीक है, और अगर आप इसको रैप कर देंगे फंक्शन में तो वो फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन के अंदर भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग. जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम लोग देखेंगे वो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्तों में भी बहुत आपके काम आएगा तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हमारे पास टू काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग हो गई. वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एंड अदर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है? प्रोग्रामिंग इस वजह से जरूरी है कि आप अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करके इंस्ट्रक्शन दें. ठीक है, इस वजह से प्रोग्रामिंग जरूरी है. इस प्रोग्रामिंग को आपने कंप्यूटर साइंस के एंगल से नहीं देखना बल्कि आपने इसको सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए जो टूल या जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है, प्रोग्रामिंग का मतलब ही ये है कि यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू दी सिस्टम. इसको कंप्यूटर साइंस के एंगल से नहीं देखना बल्कि एक मीडियम से कम्युनिकेट करने के प्रोसेस को देखना है विच इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. आप अपने सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट. ठीक है, इस दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम ऊप भी कहते हैं अक्सर, क्या कहते हैं हम लोग? ऊप कहते हैं. ऑब्वियसली आपको लग भी रहा है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ओ इज स्टैंड फॉर ओरिएंटेड एंड प्रोजेक्ट. ठीक है, ये जो ऊप का कॉन्सेप्ट है आपके पास ये बिलोंग्स करता है. देखिए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग आपकी सीक्वेंस के अराउंड होती है. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग आप किसके अराउंड होती है? सीक्वेंस के अराउंड होती है. जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो डिजाइन होती है वो सिक्वेंशियल स्टेप के अराउंड जो है वो डिजाइन नहीं होती बल्कि वो डिजाइन होती है ऑब्जेक्ट के अराउंड, जो कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट. अब हमारा काम यह है कि आज के सेशन में हम कुछ चीजें देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, क्लास पे बात करेंगे, क्लास किसे कहते हैं. फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास, अच्छा क्लास में और टाइप का डिफरेंस देखेंगे. क्लास एंड टाइप हम लोग इंटरचेंजेबल कर रहे हो तो क्लास एंड टाइप देखेंगे क्या है. अच्छा ऑब्जेक्ट को हम कभी कभी वेरिएबल भी बोलते हैं तो ये भी हम डिफाइन करेंगे. वेरिएबल क्या,
एक्चुअली हम ये देख रहे होंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और वो वेरिएबल से कितना डिफरेंट है, क्लास क्या है और क्लास टाइप से कितना रिलेट करती है। टाइप आपको पता होगी, हम लोग डेटा टाइप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग टाइप का फंक्शन यूज करते थे तो वो आपको टाइप बताता था। तो क्लास और टाइप लोग इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, सिमिलरली ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है। और उस हम लोग देखेंगे मेथड, और फाइनली हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स। अच्छा, सबसे अच्छी बात आज के टॉपिक की ये है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, या आप लोग या आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये तमाम पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने करे हुए हैं। किस तरीके करे हुए हैं ये हम देखेंगे। अगर आपने देखा हो तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये मैं अभी आपको प्रूफ भी करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जब हम ऊप पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास। मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ? ह्यूमन का ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटी होंगी वो ह्यूमन क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी मेरी होंगी। तो वन ऑफ द इंस्टेंस जो कि फॉर एग्जाम्पल वकास जो है वो एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है। वकास क्या है? ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वकास इधर क्या है? अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन जो है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ह्यूमन को क्या कहेंगे हम? ह्यूमन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ताकि आपको, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊँ। तो ह्यूमन जो मैं यहाँ पे एक ह्यूमन का एक इंस्टेंस दिया है, या ह्यूमन, अभी मैं बताऊंगा कि ये बनेगा कैसे। अभी तो ये मैंने सिर्फ आपको असाइन करके बता दिया, लेकिन इसके अंदर की बैक एंड की स्टोरी कि ये आया कैसे ही हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अभी समझ जाएं कि ये जो ह्यूमन है ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और ये असाइन हो रहा है। देखिए, इक्वल का साइन, और ये जो वेरिएबल आपने लिखा है, वेरिएबल नेम, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये पूरा है वेरिएबल, इक्वल साइन एंड प्लस वकास, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल का नाम क्या है? वकास। तो यानी कि ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो हमने वेरिएबल असाइन किया है वो वकास, यानी कि वकास के अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो एक ह्यूमन के अंदर होती है। अब ये प्रॉपर्टीज किस तरह आएंगी, किस एट्रीब्यूट कैसे आएंगे, वो हम डिफाइन करेंगे मेथड एंड एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल में हमें फर्क समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखूं मैं आपको लिखूं टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर लिख दिया कि वी आर ऑन सेशन 13। तो यहाँ पे जो सेशन 13 है ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये असाइन किसके साथ है? ये एक वेरिएबल के साथ, अन्य सेंटेंस के साथ। यानी कि ये जो पार्ट हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और जो आपका इक्वल से लेके बैक एंड पे जो आपका लेफ्ट साइड तक जितना भी पार्ट है, इसका मतलब है कि आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वेरिएबल? ये बात आप लोगों को समझ आई? बताइए क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वेरिएबल? एवरीवन प्लीज स्पीक अप और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये बात क्लियर है। अब्दुल्ला, कैन यू हेयर मी? यस सर, आवाज आ रही है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वेरिएबल? ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है और वेरिएबल किसे कहा जाता यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। है? थैंक यू सो मच। आप में से कोई भी जो है वो अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमें पता चल गई कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, वेरिएबल किसे कहा जाता है। आइंदा हम इस टॉपिक पे इंशाल्लाह कभी परेशान नहीं। अब आते हैं क्लास पे, अब आते हैं क्लास पे कि क्लास और टाइप क्या होती है। जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं इसको आज हम कवर करेंगे और ये देखेंगे क्लास क्या होती है और टाइप क्या होती है। देखिए, अगर मैं एक एवरीडे इंग्लिश की बात करूँ ना, और यू गो ऑन टू द डिक्शनरी,
तो आपको पता चलेगा कि क्लास का मतलब ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्री। क्लास का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्री। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का मतलब ये होता है कि क्लास को भी सिमिलरली लिया जाता है, जैसे इंग्लिश के अंदर क्लास को लिया जाता है कि इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी कोई खास ऑब्जेक्ट की कोई टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने सेंटेंस देख रहे हैं ये किस क्लास की टाइप है आप बताइए? ये एक स्ट्रिंग क्लास की टाइप है। ये किसकी टाइप है? स्ट्रिंग क्लास। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स कर देते, क्योंकि ये हमने तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो वो एरर देगा, उसको मिलेगा नहीं। अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं तो मुझे पता चलेगा कि ये टाइप, ये एक स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज द क्लास। ये कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग इज द क्लास? मैं कैसे बोल रहा हूँ स्ट्रिंग इज द क्लास? अगर आप यहाँ पे प्रिंट लगा दें शुरू में, यहाँ पे आप शुरू में प्रिंट लगा दें और यही चीज लिख दें, तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि क्लास को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं जो हमारे लास्ट सेशन गुजरे। तो हमारे पास जो टाइप होती है वो क्या होती है, किसी, आप ये समझ लें कि क्लास जो है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की कोई टाइप होती है। क्लास क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की एक टाइप होती है। तो अगेन, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये बिलोंग करता है क्लास स्ट्रिंग से। किससे बिलोंग करता है? क्लास स्ट्रिंग से। तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी कि भाई ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है, तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो हमें ये पता चल गया कि क्लास जो है या टाइप जो है, तो एक्चुअली क्लास जो है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की एक टाइप को हम क्लास कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की क्लास को हम टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वकाल जो है वो ह्यूमन क्लास की एक टाइप है, या अगर कोई अब्दुल्ला आ जाते हैं तो अब्दुल्ला जो है वो ह्यूमन क्लास की एक टाइप है। ठीक है, तो क्लास भी हमें पता चल गई कि क्लास से कहा जाता है। क्लास का मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट किस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जू है, जू में एक लॉयन है। अब लॉयन के डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक लॉयन है उसका नाम है लियो, और वो बिलोंग करता है लॉयन क्लास से। किस क्लास से बिलोंग करता है? लॉयन क्लास से। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत इजीली कि लियो है इज अ टाइप ऑफ अ लॉयन क्लास। क्या कहूंगा मैं? लियो इज अ टाइप ऑफ अ लॉयन क्लास। तो इससे हमें ये पता चला कि क्लास एक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, खास मेथड होते हैं, और अगर उसके साथ आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं या कोई नाम असाइन कर रहे हैं, एक्चुअली वो कैरी कर रहा है उस क्लास की टाइप को। लॉयन जो है उसकी बेशुमार जो है क्या कहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लियो, डिफरेंट डिफरेंट नाम बन सकते हैं, तो वन ऑफ द नेम इज लियो। तो यहाँ तक हमें ये भी पता चल गया कि क्लास जो है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की टाइप होती है। अब हम आएंगे और ये देखेंगे ये क्लासेस बनती कैसे और किस तरीके से। और एक और बात हम लोगों ने देख ली कि ये क्लासेस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखूं 1 2 3 और इसको मैं प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको, आपको पता चलेगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि ये किस टाइप की जो है वो क्लास है। तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्लास है, एक लिस्ट क्लास की क्लास है, या लिस्ट क्लास की एक टाइप है। तो यहाँ तक हमें ये भी पता चलना शुरू हो गया और एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस इज नॉट न्यू फॉर अस, तो दिस इज वॉट यू नो आर टॉपिक इज। अब हम लोग जाएंगे एक्चुअली ये क्लास डिजाइन कैसे होती और हम किस तरीके से इसको बना के अपने तमाम टॉपिक को, यानी कि जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि हमने ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल के अंदर डिफरेंस समझा, क्लास टाइप के अंदर डिफरेंस समझा, तो ये क्लास को बनाया किस तरह जाता है, लिखा किस तरह जाता है, और ये जैसा मैंने ह्यूमन जो है उसको कॉल किया है ह्यूमन क्लास को, और मैंने इसको, ये क्लास कैसे डिजाइन हो सकती है आज हम। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करें कि हमें जो है हम वर्चुअल जू का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। आपको पता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कॉमन हो गया। तो हम किस तरीके से क्लास बनाएंगे और किस तरीके से उसको जो है उससे काम लेंगे, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट के अंदर कुछ मेथड हो, एग्जाम्पल एल इज अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक मेथड होगा डॉट अपेंड का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अपेंड क्या करता है? अपेंड के अंदर अगर मैं
4 लिख दूं या 5 लिख दूं तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर जाके अपेंड कर देगा। क्या कर देगा, ये लिस्ट के अंदर जाके अपेंड कर देगा। और आप अगर आप एल को करेंगे तो आपके पास पहले 1 2 3 था, अब 1 2 3 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपेंड जो है वो किस क्लास का मेथड है, लिस्ट क्लास का मेथड है। लेकिन कभी भी जो हमने इस ऊपर सेंटेंस लिखा था, यानी कि एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो हमने लिखा था, इसके ऊपर आप अपेंड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मेथड किसी भी क्लास में हैं वो उसी क्लास से रिलेट करते हैं, वो किसी और दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर मैं कभी भी ये नहीं कर सकता कि मैं सेंड, जो कि एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए, और यू हैव ऑल द राइट टू आस्क मी अ क्वेश्चन। तो सेंटेंस जो है, अगर इसके अंदर मैं अपेंड यूज करूंगा जो कि एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आप देखिएगा ये मुझे एरर दे देगा। ये एरर इस वजह से दे देगा क्योंकि अपेंड जो है वो लिस्ट क्लास का मेथड था, स्ट्रिंग क्लास का मेथड नहीं। तो बोल भी रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो हमें ये भी पता चल गया कि एट्रीब्यूट का वर्ड कहाँ पे आ रहा है, एट्रीब्यूट का वर्ड भी किसी ना किसी क्लास से रिलेट होके आता है। तो हमने ये दो चीजें देख ली कि यहाँ पे हमारे को मेथड का भी अंदाजा हो गया, जो हम मेथड की बात कर रहे हैं, जो मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है, क्योंकि एरर में ये मुझे एक एट्रीब्यूट एरर दे रहा है और कह रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई ऐसा मेथड ही नहीं है या कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है नाम अपेंड हो। तो इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर जितने भी मेथड, जितने भी एट्रीब्यूट हम आगे जाके बनाएंगे वो उसी क्लास से रिलेट करेंगे, उसके ऊपर कोई क्लास एक्सेस कर ही नहीं सकती। ह्यूमन क्लास के जितने भी मेथड और जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सिर्फ ह्यूमन से जो है वो ह्यूमन की प्रॉपर्टी होगी, ह्यूमन के फीचर होंगे। और अगर हम कोई और क्लास बनाते हैं तो फिर उसके मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एट्रीब्यूट अलग होंगे। आए जरा देखते हैं कि हम क्लास कैसे बना सकते हैं। देखिए, जिस तरह आप फंक्शन लिखते थे डेफ करके, और फंक्शन का कोई नाम लिखते थे, मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन लिखा, उसका नाम लिखा आपने एड, और आप उसको कोई ना कोई पैरामीटर देते होंगे ए कॉमा बी, और फिर आप क्या करते थे, रिटर्न करवा लेते थे ए प्लस बी करके। दिस इज हाउ वी यूजुअली मेक अ फंक्शन। ये तो बहुत आसान फंक्शन है, लेकिन फंक्शन बनाने का कुछ तरीका इस तरीका है। तो क्लास की बिल्डिंग भी जो है ना वो वेरी सिमिलर है, लेकिन क्लास जब बिल्ड कर रहे होते तो आप सबसे पहले लिखते हैं क्लास। क्या लिखते हैं आप लोग, क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मुझे एलिफेंट की क्लास बनानी है, मुझे कौन सी क्लास बनानी है, एलिफेंट की क्लास बनानी है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जब आप देखेंगे तो आप फंक्शन के अंदर ब्रैकेट बनाते हैं, फंक्शन का नेम कॉल करने के बाद ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पे क्लास में यूजुअली जो मैंने नॉर्मल प्रैक्टिस देखी है या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देखी है पाइथन को लिखते हुए, तो उसमें ब्रैकेट नहीं बनता। लेकिन अगर आप ब्रैकेट बना भी देंगे तो कोई हार्म नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंडस्ट्री को फॉलो करें और इंडस्ट्री को देखें कि इंडस्ट्री जो है वो क्या कह रही है। और ये मैंने क्लास बना दी, और इस क्लास को अभी मैंने एम्प्टी रखा है, मैं कुछ नहीं दे रहा, जब भी मैंने एक पास का कीवर्ड डाल दिया। पास का कीवर्ड ये है, ये दिस इज अ प्लेस होल्डर, यहाँ पे आके आप फर्दर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाना इतना ही आसान है जितना कि एक फंक्शन को बनाना। ठीक है, क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास का नाम रखेंगे। यूजुअली आप इधर नोटिस करें तो आपको जो है यहाँ पे ब्रैकेट नजर नहीं आ रहे, और फिर वही कॉलन जैसे कि फंक्शन में कॉलन होते थे, और नीचे जाके आप इसकी बॉडी आएगी, और बॉडी में हमारे पास क्या क्या आएंगे, बॉडी में हमारे पास मेथड आते हैं जो अभी हम देखेंगे भी, और एंड एट्रीब्यूट्स आते हैं। क्या आते हैं, मेथड्स आते हैं एंड एट्रीब्यूट आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन हियर और द लेटर ऑन ऑन दी YouTube। आप YouTube पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्लास की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है और फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लास हम कैसे, क्लास के, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है। ठीक है, अल्फाबेट मेरा क्या है, कैपिटल है। और ये क्यों है, क्यों है, क्योंकि हम, आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में, एंड बिकॉज मैं एक कंपनी अंदर जो है वो चीफ एआई साइंटिस्ट हूँ,
तो हमें पता है कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, और यूजुअली अगर आप भी जाके देखेंगे किसी भी अच्छे फोरम पे तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस क्या है। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ज्यादातर हम नेमिंग कन्वेंशन में स्नेक केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्नेक केस। स्नेक केस का क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप नाम यूज देंगे लाइक दिस, तो देखें एक स्नेक था, स्नेक की बॉडी फिर नीचे आई, फिर उसकी बॉडी ऊपर चली गई, तो ये एक स्नेक केस हो जाता है। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे या क्लास की नेमिंग की बात कर रहे हैं तो आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो होता है कैमल केस। कौन सा केस होता है? वो कैमल केस होता है। और कैमल किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लाइक का एल कैपिटल, लाइक का एल कैपिटल, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर नहीं आता, फिर टी कैपिटल, यानी कि हर वर्ड आप कैपिटल लिखेंगे। तो फंक्शन में तो आप अंडरस्कोर यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप क्लास लिखने में कैमल केस यूज करते हैं। पहला वर्ड कैपिटल, पहला वर्ड जो भी पहला पहला जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल, सेकंड वर्ड जो है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल, और दोनों को जॉइंटली लिखना है, दोनों को आपने नहीं लिखना है। तो अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड तो नहीं है लेकिन सिंगल वर्ड है, और सिंगल वर्ड का मैंने यही किया है कि मैंने फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लिखा है। तो आप यूजुअली कैमल केस को यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि हमारे पास जो फंक्शन को लिखने के लिए नेमिंग कन्वेंशन स्नेक केस होता है, जबकि क्लास को लिखने के लिए जो नेमिंग कन्वेंशन है हमारे पास क्या होता है? कैमल केस होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो स्ट्रिंग दो एग्जाम्पल देता हूँ जिससे मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की बताता हूँ। एक मैं आपको स्ट्रिंग वन बताता हूँ, ये एक ऐसे ही मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी नाम लिख दें, और मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग। याद रखिएगा ये जो आपका जो क्लासेस है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में जब आप आएंगे तो आपको चीजें कॉम्प्लिकेट नजर आ रही होंगी। तो कोशिश ये करें कि आप इस चीज को समझें, और नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर तक आपके पास जो आज का जितना भी कंटेंट है क्लास से रिलेटेड, या पीछे जो हम लोगों ने फंक्शन या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की है, तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें, और ड्यूरिंग द वीक आप सवाल पूछ सकते, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जो आपके पास कॉम्प्लेक्स इसमें वो आएंगे टॉपिक आएंगे वो आपको इजी हो जाएंगे। अच्छा दूसरी ये मैं लिख देता हूँ कि दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग। अब मुझे दो चीजों को बताना है। देखिए अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों ही स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो दीस ऑब्जेक्ट्स आर द टू इंस्टेंसेस ऑफ दी पाइथन स्ट्रिंग क्लास। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इंस्टेंस, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया इंस्टेंस, तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ दीस ऑब्जेक्ट्स आर टू इंस्टेंसेस, ये दो इंस्टेंसेस हैं ऑफ दी पाइथन स्ट्रिंग क्लास। कौन सी? किसके इंस्टेंस है? पाइथन की स्ट्रिंग क्लास के इंस्टेंस है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही बिलोंग करते हैं स्ट्रिंग से, तो मैंने कह दिया कि ये दो इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस का नाम मैंने रख दिया स्ट्रिंग वन, दूसरे का नाम मैंने रख दिया स्ट्रिंग टू। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन हो तो ह्यूमन के भी दो क्या बहुत सारे इंस्टेंसेस मौजूद है। पाकिस्तान में आपको देखेंगे आपके पास जो है वो 25 करोड़ से ऊपर की आपकी पॉपुलेशन है। इसी तरीके से अमेरिका में जाएं तो वहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत हाई मिलेगी, न्यूजीलैंड में जाएं तो आपके पास आई थिंक 50-55 लाख की पॉपुलेशन है। तो ये जितने भी इंस्टेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ ये इंस्टेंसेज हैं स्ट्रिंग क्लास के। तो अभी फिर मैंने टू इंस्टेंसेज की बात है, लेकिन इन दोनों में आपको कुछ यूनिकनेस नजर आएगी। देखें ये लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंस्टेंस सेम क्लास के हों तो उनके अंदर यूनिकनेस हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं भी ह्यूमन क्लास से हूँ और आप लोग भी ह्यूमन क्लास से हैं, लेकिन मेरे बात करने का अंदाज और आपके बात करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, यूनिक हो सकता है। इसी वजह से तो आप मेरी जो साउंड है या जो मेरी वॉइस है उसको आप समझ जाते हैं, मेरे साउंड की मेरे वॉइस की पिच अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो
सेम क्लास के, तो उसमें भी यूनिकनेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्ट्रिंग इज यूनिक फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, बट दे आर द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की टाइप सेम है, दोनों की क्लास सेम है, लेकिन क्या ये दोनों एक यूनिक ऑब्जेक्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी क्लास बनाएंगे तो उस क्लास से हम मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं, यानी कि एक क्लास अगर हम बनाएंगे तो उससे हम मल्टीपल मल्टी मल्टीपल थाउजेंड ऑफ इंस्टेंसेस बना सकते हैं। आप में से किस किस ने गेम खेला है? आप लोगों में से किस किस ने गेम खेला बताइए, पता चले कि आप में से कौन कौन गेम खेला है या खेल। जी अनम्यूट योर माइक एंड आंसर कि आप में से किस किस ने गेम खेला है। ऑब्वियसली हम सबने ही गेम खेला होगा, तो आपने देखा होगा गेम के अंदर कुछ करेक्टर्स आते हैं, वो करेक्टर जो है वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं और उनके एक्शंस अलग अलग होते हैं। अगर आपने कोई गेम देखा तो उसमें अलग अलग सिनेरियो आते हैं, आपको एनिमल से इंकाउंटर करना पड़ता है, स्पेशीज से करना पड़ता है, कोई ह्यूमन कार्टून होता है उससे आपने करना पड़ता है, तो उन्होंने भी मल्टी क्लासेस बनाई हुई होती है। उस मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूनिकनेस होती है, किसी का आपने कलर चेंज कर दिया, किसी का आपने जो है वो बोलने का अंदाज किया, लेकिन आपको लगता है कि यार हाँ ये इस क्लास से बिलोंग करता है और ये इस क्लास से बिलोंग करता है, तो हमें पता चलता रहा। तो जब भी मैंने ऊपर आपको एक लॉइन की एग्जाम्पल दी और लॉइन की एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया कि एक तरीके से हम लोग क्लास बनाते हैं, तो आए जरा जो हमने क्लास बनाई है इस क्लास का इंस्टेंस कैसे बनाऊंगा। जैसे ये स्ट्रिंग क्लास किसी ने तो बनाई होगी पाइथन में, तो स्ट्रिंग क्लास किसी ने बनाई तो उसका आपने इंस्टेंस बनाया अभी, लेकिन अगर मैंने एलिफेंट की क्लास बनाई है तो एलिफेंट की क्लास का इंस्टेंस कैसे बनाऊंगा। इंस्टेंस बनाने का तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लिख दिया आपने, आपने लिख दिया लेट्स सपोज बबल लिख दिया, बबल एक नेम है जो कि आप एलिफेंट की क्लास को इंस्टेंशिएट करते हुए कॉल कर रहे हैं, और जब भी आप क्लास को कॉल करेंगे, किसी भी क्लास को कॉल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप ब्रैकेट बनाएंगे, जब भी आप क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टेंस बनता किस, दिस इज हाउ वी क्रिएट इंस्टेंस, क्रिएटिंग इंस्टेंस, हमने अब जो एलिफेंट क्लास बनाई है उसका एक इंस्टेंस बना दिया, और ये है एलिफेंट का ऑब्जेक्ट और ये है उस ऑब्जेक्ट का नाम बबल। यहाँ जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो हम उसको कहते हैं इंस्टेंस बनाना या इंस्टेंसिएशन। क्या कहते हैं हम, कि हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, या नॉर्मली कहा जाता है कि वी आर इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास, हम इंस्टेंशिएट रहे हैं क्लास को। तो कभी भी किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करना हो, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो आप हमेशा क्लास का नाम कॉल करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इधर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था, लेकिन जब भी आप कोई इंस्टेंस बनाएंगे तो वो आप इस तरह बनाएंगे। तो लेट सपोज मेरे पास एक और एलिफेंट आ जाता है, उस एलिफेंट का नाम है, उस एलिफेंट का नाम है लेट सपोज ल्यूना, उसका नाम है ल्यूना। तो ल्यूना का इंस्टेंस अगर मैं बनाऊंगा तो ल्यूना के ऊपर भी पहले मैं एलिफेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और मैं उसके बाद उसको कर दूंगा। तो अब मुझे आप बताइए कि हाउ मेनी एलिफेंट वी हैव इन आर जू, अगर हमारा कोई वर्चुअल जू है तो उसमें कितने एलिफेंट है, कितने एलिफेंट है अब्दुल्ला प्लीज बताइए आप, अफान सर दो दो एलिफेंट है, यूना और एक बबल आया था। ल्यूना एंड बबल, ल्यूना एंड बबल बोथ आर दी टाइप ऑफ एलिफेंट क्लास। तो इसका मतलब यह है कि हमने दो इंस बनाए, एक इंस्टेंस बनाया। अच्छा इधर ये चीज जो कहलाएगी वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट, जबकि ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपने कि आपने वेरिएबल का नाम दिया है, और इस पूरे को आप या ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने को हम कहते हैं इंस्टेंसिएशन। तो हम लोगों ने एलिफेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना लिए, इसी तरीके से आप बेशुमार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लास के अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस देखूं तो मुझे अब्दुल्ला एक इंस्टेंस नजर आएंगे, अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, अब्दुल्ला इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, बट
ये किस के ऑब्जेक्ट है, वो है ह्यूमन क्लास। इसी तरीके से अफान आसिफ जो है वो भी एक हमारे पास नेम है जो कि एक ह्यूमन क्लास का है। तो अल्लाह ताला ने जो हम अल्लाह ताला है जो हमारे क्रिएटर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ह्यूमन की क्लास बनाई, और ह्यूमन क्लास बनाने के बाद उस ह्यूमन से रिलेटेड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से भी आपको पता चला होगा कि ह्यूमन की एक क्लास है, क्योंकि ह्यूमन की एक क्लास इस वजह से कि ह्यूमन को देख के ही आप बता सकते हैं ह्यूमन है। अगर वो ह्यूमन नहीं होगा तो फिर वो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं है, दिस इज नॉट द ह्यूमन, दिस इज द कैट। तो कभी भी आप देखेंगे अगर आपको नाम नहीं पता, आप उसकी क्लास को कॉल करते हैं, आप कहते हैं दिस इज द कैट, लेकिन उस कैट का हो सकता है कोई नाम हो। तो आपको अगर कभी नाम नहीं पता होता तो आप क्लास का डायरेक्ट नाम कहते, आप कहते हैं दिस इज द लॉयन, लेकिन लॉयन नाम कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में लियो लियो वॉज द लॉयन, लेकिन अगर आपको लियो का नाम नहीं पता, लॉयन का नाम नहीं पता, तो आप कहेंगे ये तो लॉयन है। तो इसी तरीके से जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई आप नाम असाइन करेंगे। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि कोई ना कोई नाम। तो यहां तक भी मुझे पता चल गया कि क्लास कैसे की जाती है और क्लास के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट को किसी नाम के साथ कैसे एसोसिएट किया जाता है, ये हमने देख लिया। और इस तमाम प्रोसेस को इंस्टेंशिएशन कहा जाता है, कि हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर दिया। तो आई होप कि यहाँ तक जितनी भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे। और अगर आप अब अगर मैं प्रिंट वही चीज जो मैं ऊपर कर रहा था, लेकिन अब मैं करूँ ल्यूना को प्रिंट, तो ल्यूना ल्यूना का क्या बताएगा, जिसका कि आपने देखा था, जिस तरह कि आपने ऊपर जाके देखा था, कि अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊं तो आपने यहाँ पे देखा था कि ये कह रहा था ये जो एल है, जो भी आपने एल नाम रखा है वो किस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो उसने बोल दिया कि ये क्लास लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। देखिए ल्यूना को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये बताएगा कि ल्यूना किस क्लास की ऑब्जेक्ट है। तो बता रहा है कि ल्यूना जो है वो ऑब्जेक्ट है एलिफेंट क्लास में। किसकी ऑब्जेक्ट है ये, एलिफेंट क्लास में। बस बात यह है कि जो बिल्ट इन आपके पास क्लासेस अवेलेबल है उनकी उनका डिस्प्ले थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जबकि जो क्लास बनाते हैं उसका डिस्प्ले थोड़ा सा अलग होता है। दोनों की बात बिल्कुल सेम है। जैसे हमारे पास हम बिल्ट इन क्लासेस को यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन क्लासेस में हमारे पास क्या है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, इंटीजर है, फ्लोट है, अलग अलग क्लासेस हैं हमारे पास। तो अगर मैं लिखूंगा प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वन, तो ये मुझे बताएगा कि ये एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। वन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उस किस क्लास से बिलोंग करता है। अच्छा, इस वन का नाम नहीं है अभी, इसका वन का नाम नहीं, जब तक मैं असाइन ना करूं, जब तक मैं असाइन ना करूं इस वन का नाम नहीं, तो वन जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। वन ऐसे ही है जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, अभी पता चल जाएगा, लेकिन इस वन का कोई आपने नाम नहीं दिया। तो ये कह रहा है कि ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है वन, और इसका कोई नाम नहीं है। नाम कब आएगा अब्दुल्ला, या फान, या डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैयद, इना इसका नाम कब आएगा कि वन का कोई नाम भी है, जिस तरह कि हमारे एलिफेंट के कुछ नाम है, बताइए प्लीज। सर इसको वेरिएबल असाइन कर देंगे सर, वेरिएबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको पता चला, अब आपको पता चला वन इज द ऑब्जेक्ट, वन एक ऑब्जेक्ट है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है या किसका इंस्टेंस है, इट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास इंटीजर। और इसका कोई नाम है, नो, देयर इज नो नेम, अभी तक इसका कोई नाम नहीं। अगर नाम करना है तो मुझे वेरिएबल बनाना होगा, और नाम को हम टेक्निकली वेरिएबल कहते हैं, नेम टेक्निकली क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने देखे हैं उस क्लास में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो क्लास एलिफेंट की क्लास है वो बहुत ही बेसिक क्लास है, वो अभी कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पे लिस्ट क्लास का एक मेथड है डॉट अपेंड, डॉट इंडेक्स, और बहुत सारे मेथड भी हैं। वो किस तरह हम चेक करते हैं, डायरेक्टरी के थ्रू चेक करते हैं, किसके थ्रू चेक करते हैं, डायरेक्टरी। लेकिन अगर मैं आपको एलिफेंट या लूना की क्लास बताऊं या लूना की डायरेक्टरी बताऊं, तो अभी आपके पास कुछ बिल्ट इन चीजें तो होंगी लेकिन कोई मेथड नजर नहीं आ रहे होंगे। कुछ बिल्ट इन चीजें वो तो बाय डिफॉल्ट, जब भी आप पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो आपको बता देता है कि
इसके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास देखिए कोई मेथड नहीं बता रहा, हमारे को यहाँ पे कोई मेथड नहीं बता रहा। जबकि अगर मैं लिस्ट जो मैंने एल बनाई थी उसका अगर मैं कॉल करूं, अगर मैं उसको कॉल करूं, ये भी लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। एल जो है इज अ वेरिएबल ऑफ अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं टेक्निकली आप लोगों से बात करना शुरू करूं, क्योंकि इससे पहले तो हमने जब 12th सेशन करे तो उसको मैं इस तरीके से टेक्निकली बात नहीं करता था, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं और आप समझें तो एल इज द वेरिएबल विच इज असाइन टू द लिस्ट ऑब्जेक्ट, विच इज असाइन टू द लिस्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा कि जो भी क्लास से भी एल बिलोंग करता है उसके कोई ना कोई मेथड एंड एट्रीब्यूट होते हैं। तो आए जरा देखें इसके कितने मेथड एंड एट्रीब्यूट हैं, इसके कितने मेथड। आप देखेंगे कि इसके 5 to 7 उससे भी ज्यादा जो है मेथड्स अवेलेबल है। कितने मेथड्स अवेलेबल है? बहुत सारे। लेकिन हमारी क्लास अभी इतनी बेसिक क्लास है कि इसका कोई मेथड अवेलेबल नहीं, इसका कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम मेथड कैसे बनाते हैं और एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं, तो ये हम तमाम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड लिखने का तरीका देखते हैं। तो मैं वही क्लास में पहले छोड़ दी थी अनअटेंडेड, उसी को हम दोबारा देखते हैं, और मेरे पास जो मैंने लास्ट क्लास बनाई थी इसी को हम एडिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखें आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पास लिखा हुआ है। पास इस वजह से लिखा हुआ है कि ये प्लेस होल्डर है, और इसका सही मतलब ये है कि मैं आगे आके इसको जाके कंप्लीट करूंगा। जी प्लीज पूछे। सही, डबल अंडरस्कोर वाले भी तो कुछ मेथड नजर आ रहे हैं इसके अंदर कुछ। डबल अंडर स्कोर वाले मेथड नहीं, उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? या ये कहलाते हैं ड्यूंडर मेथड। अभी हम आएंगे और ड्यूंडर मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्चुअल मेथड है वो ये है, और ये आप कहते हैं कंस्ट्रक्ट, ये आपके कहलाते हैं ड्यूंडर मेथड। ठीक है, डबल अंडर स्कोर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डबल अंडर स्कोर। तो डबल अंडर स्कोर को हम क्या कहते हैं? ड्यूंडर। ठीक है, ठीक है तो ओके। पर भी बात करेंगे, लेकिन दीज आर द मेन मेथड ऑफ द लिस्ट क्लास। तो आए जरा देखते हैं कि हम अपनी क्लास के अंदर कैसे मेथड ऐड करते हैं। मेथड ऐड करने का तरीका ऐसे ही है जैसे कि आप फंक्शन लिखते हैं, मेथड ऐड करने का तरीका ऐसे ही है जैसे फंक्शन लिखते हैं। और फंक्शन किस तरह लिखते हैं? क्लास के अंदर आप लिखेंगे डेफ, और डेफ के बाद आप कोई भी नाम लिखेंगे, और नाम लिखने का तरीका अब क्या होगा? स्नेक केस होगा या कैमल केस होगा? अब क्या तरीका होगा? क्लास में हमने स्नेक देखा हुआ, ना कि स्नेक स्नेक होगा केस। सर। हम जो है वो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, एस लिखें, कुछ भी लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो एलिफेंट की साउंड है उसको हम ट्रम्पेट कहते हैं। जब वो आवाज निकालता है तो हम कहते हैं दिस इज अ ट्रम्पेट। जैसा कि अगर आप देखे होगा कि आपने कोई क्या कहते हैं पैरट कोई आवाज निकाले तो कुछ साउंड का नाम देते हैं, तो जो एलिफेंट की आवाज होती है उसको हम कहते हैं कि टेक्निकली हम उसको कहते हैं ट्रम्पेट। तो देखें मैंने एक फंक्शन लिखा, आपने पता है फंक्शन जब भी लिखते हैं तो आप नेम लिखते हैं, नेम लिखने के बाद आप जो है वो ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाने के बाद आप कॉलन बनाते हैं, और फिर नीचे उसकी बॉडी में आ जाते हैं। लेट सपोज मैं इसकी साउंड ही लिख देता हूँ, साउंड कैसी होती है इसकी? कुछ भी लिख देते हैं साउंड। जी एक्सक्यूज मी सर, सर इसके जी बोलो। अंदर INIT फंक्शन भी तो यूज होते हैं ना, जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो किस लिए अभी यूज रुके होता है ना, उसका? अभी जी उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, लेकिन अगर मैं वो मेथड वो चीज अभी बता दूंगा आप समझ नहीं पाएंगे पॉइंट। तो मुझे मैं आपको सिर्फ इसी बात बता रहा हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ आना चाहिए। ठीक है, ड्यूंडर मेथड आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल है, उसको हम कहते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारे पास एक मेथड बन गया। मेथड बनाने का तरीका सिंपल है, आप फंक्शन लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि मेथड क्या है? मेथड इज नथिंग बट दी फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास। मेथड क्या है? मेथड एक फंक्शन है जो किसी क्लास से रिलेटेड करता है। फॉर एग्जाम्पल अपेंड, अपेंड इज अ फंक्शन। टेक्निकली हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं दूसरे अंदाज में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा कि अपेंड जो है वो क्या है एक्चुअली? अब क्या एक्चुअली अपेंड इज अ मेथड, या इन टेक्निकली अपेंड इज द फंक्शन ऑफ अ लिस्ट क्लास। तो सिमिलरली ट्रम्पेट इज द मेथड ऑफ अ एलिफेंट क्लास। तो अब हम फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, अब हम इस चीज को फंक्शन नहीं बोलेंगे जो किसी खास क्लास से रिलेट हो उसको हम मेथड बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन तो वो किसी के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम का फंक्शन है, सम का फंक्शन है वो अगर यहाँ पे टपल पास कर दूं तो टपल पे भी अप्लाई हो जाएगा, अगर मैं लिस्ट पास कर दूं तो लिस्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो
फंक्शन का ताल्लुक किसी क्लास से नहीं होता, वो किसी पे भी अप्लाई हो जाता है अगर वो अप्लाई होने वाला हुआ तो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर दूँ तो सम दोनों पे हो जाएगा। देखिए ये मैंने लिस्ट पास कर दी और ऊपर मैंने टपल पास कर दिया, तो ये टपल का साइन है ठीक है, तो ये टपल पास कर दिया, ये लिस्ट पास कर दी, दोनों पे सम चल जाएगा। लेकिन फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है, मेथड जो है वो किसी खास पर्टिकुलर क्लास से ही रिलेट करेगा। आप इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल फंक्शन है, मेथड इज अ स्पेशल फंक्शन जो कि स्पेसिफिकली रिलेट करता है किसी खास क्लास, ठीक है। तो हम मेथड को हम हमेशा टेक्निकली किसी भी क्लास के फंक्शन को हम हमेशा मेथड कहेंगे, और मेथड जो है वो हमने देखा होगा, आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने किसी सेशन में इंपोर्ट सीएसवी किया होगा, याद है आप लोगों को इंपोर्ट सीएसवी, और इंपोर्ट सीएसवी के बाद आप लोगों ने कॉल किया सीएसवी डॉट रीडर। किस किस को याद है ये बात, किस किस को ये बात याद है कि हम लोगों ने ये काम किया था? यस सर, तो रीडर क्या सर है, रीडर इज अ मेथड ऑफ अ सीएसवी क्लास, रीडर इज द मेथड ऑफ द सीएसवी क्लास, और इन अदर वर्ड रीडर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ सीएसवी क्लास। तो सिमिलरली द ट्रम्पेट इज द स्पेशल स्पेशल फंक्शन ऑफ अ एलिफेंट क्लास व्हिच वी टेक्निकली कॉल्ड द मेथड। भी फंक्शन किसी क्लास से रिलेट करेगा उसको हम मेथड कहेंगे। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैंने मेथड बना लिया, अब आए जरा इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से रन होगा। इसको हम रन करते हैं और मैं दोबारा से एक इंस्टेंस बनाता हूँ एलिफेंट का बबल के नाम से, और मैं क्या करता हूँ एलिफेंट को, अब मैं बबल जो एक नाम है उसके साथ मैं एलिफेंट के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता हूँ। अब मैं आपसे टेक्निकली बात करूँ तो ये मेरे पास बबल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो गया। अब देखा होगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है तो मेथड को आप कैसे कॉल करते हैं, किसी भी मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होता है, किसी भी मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होता है, डॉट। तो मैं डॉट भी क्या लगा करूंगा, दिया। मैं भी क्या करूंगा बबल डॉट ट्रम्पेट, मैं भी लिखूंगा बबल डॉट ट्रम्पेट। तो देखते हैं कि क्या आंसर, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको। इनपुट क्या हाँ जो भी इसकी साउंड आ रही है, ये जो भी इसकी साउंड आ रही है वो आपको रिटर्न करेगा। तो आए देखते हैं ये क्या करता है। वो देर इज एरर, और एरर क्या है, एरर पढ़ने वाली बात है, ये एरर बड़ा एक जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको कि अनअकाउंटेबल टाइप का है, अनअकाउंटेबल टाइप का एरर। क्या कह रहा है, कह रहे कि एलिफेंट ट्रम्पेट टेक जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वॉज गिवन। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने एक आर्गुमेंट दिया हुआ है। आर्गुमेंट का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट किसे कहा जाता है, पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं याद तो फंक्शन के फंक्शन में जाके आप देख सकते हैं उस चीज को। तो व्हाट इज दिस, कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आना चाहिए, आपने एक दिया हुआ, अगर मैं कुछ देता तो मैं यहाँ पे लिखता तो, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई मेथड बनाएं, जब भी आप कोई मेथड बनाएं तो आप यहाँ पे सेल्फ लिखें, किसको क्या लिखेंगे, सेल्फ लिखेंगे। इसकी वजह बताता हूँ सेल्फ क्यों लिखेंगे, इसकी वजह बताता हूँ कि हम सेल्फ क्यों लिखेंगे। तो जब भी आप फंक्शन बनाएं तो यहाँ पे सेल्फ जरूर लिखें, जब भी आप मेथड बनाएं तो हर मेथड से का पहला जो और पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। क्यों, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा जो क्या कहते हैं नेम है, फॉर एग्जाम्पल वकाल, आपको पता है कि ये वकाल जो है ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का, और इसको मैंने असाइन कर दिया है नेम के साथ। तो नेम के अंदर अगर मुझे इसको कैपिटल करना है या लोअर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, उस मेथड को कॉल करूंगा। तो स्ट्रिंग का एक मेथड है लोअर, स्ट्रिंग का एक मेथड है लोअर जो कि वकास के नाम को लोअर कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, मैं पूरी क्लास का नाम लिख लूं, क्योंकि नेम जो है या वकाल जो है वो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, मैंने लिखा एस टी आर डॉट लोअर। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जो भी मैंने इंस बनाया होगा उसको कॉल करूंगा मिसाल के तौर पर नेम। तो कहते होता यह है कि जब भी आप अपने मेथड को कॉल करते हैं तो वो एक्चुअली आपके इंस्टेंस आपका जो नेम होता है उसको वो खुद ही इधर कॉल कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, आपको
इधर कॉल कर रहा होता है, तो जरा मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखाऊँ इस क्लास। चलें ये तो मैंने क्लास रन कर दी, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं ना एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट इज अ क्लास नेम, एलिफेंट डॉट ट्रम्पेट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसटीआर डॉट लोअर, क्योंकि एसटीआर इज अ क्लास नेम, और ये जो नेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये तो एक मैंने ऑब्जेक्ट को असाइन किया हुआ है ना इसके अंदर, लेकिन दिस इज द मेन क्लास, तो मेन क्लास के मेन क्लास का नाम भी लेके आप मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे इसको कॉल करते एलिफेंट डॉट ट्रम्पेट, एलिफेंट डॉट ट्रम्पेट, तो आपने टेक्निकली क्या डालना होता इसके अंदर बताइए, बबल को रखना पड़ता, किसको रखना पड़ता आपने बबल को। तो पता ये चला कि ये जो एरर आया है वो इस वजह से एरर आया है कि ये ऑटोमेटिकली, ऑटो देखें कह रहे हैं ना वन वॉज गिवन, ये ऑटोमेटिकली बबल को अपने अंदर फेच कर रहा है, ऑटोमेटिकली अपने अंदर बबल को फेच कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली हमने इसको बताया नहीं, हमने ओरिजिनली बताया नहीं कि भाई हाँ जब तुम फेच करोगे तो मैं भी यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हाँ इसको कैसे कैटर करना है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब ये बबल डॉट ट्रम्पेट आपने कॉल किया तो ये जो बबल है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जा रहा है, जब ये आपको क्या क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, कह रहा है कि वन वॉज गिवन, तो मैंने तो नहीं दिया था, एक्चुअली हो ये रहा है कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जा रहा है। अगर मुझे इसको काउंटर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेल्फ, सेल्फ का मतलब ये है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो खुद ही उसके अंदर आएगा, तो मैंने यहाँ पे उस चीज को कैटर करने के लिए सेल्फ लिख दिया। अब अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा, इसी मेथड को दोबारा कॉल करूंगा तो आप एरर नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं जब आप कॉल करते हैं तो ये इसको अपने पास इनपुट लेता है उठा के, तो इसको कैटर करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ डाल दिया। अब मैंने भी, और मैंने भी एक आर्गुमेंट दे, मैंने भी एक पैरामीटर दे दिया, और वो खुद भी एक पैरामीटर को ऑटोमेटिकली उठाएगा, तो दोनों बातें कैंसिल हो जाएंगी, तो एरर नहीं देगा, ये देखना। अच्छा इसको मैंने रन नहीं किया, रन कर देते हैं फिर मैं बताता हूँ। रन तो क्या करते हैं, दोबारा से इंस्टेंशिएट करवाते हैं और रन करते हैं, तो देखें ये रिजॉल्व हो गया। अब इसने ये नहीं कहा कि वो वन आर्ग्यूमेंट आ रहा है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट ये ऑटोमेटिकली उठा रहा था उसको मैंने क्या कर दिया सेल्फ। आप इधर कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ नाम एक बेस्ट प्रैक्टिस है, और सेल्फ का मतलब भी यही है कि जो ऑब्जेक्ट ये बना रहे हैं वो सेल्फ खुद उठ के इधर आ जाएगा, तो जो खुद चीज आ जाए, जो सेल्फ चीजें हो, तो उसको हम सेल्फ ही कहते हैं ना इंग्लिश में। तो दैट्स व्हाई क्लास के अंदर भी एक कन्वेंशन है कि आप कोई भी मेथड बनाएंगे सेल्फ लिखेंगे। तो आई होप कि ये सेल्फ वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसके मेथड को कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का जो भी नेम होता है उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा होता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए आपने यहाँ पे एक पैरामीटर खुद दे दिया, ताकि अगर वो आर्ग्यूमेंट को कॉल करे तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी, हम लोगों ने ऑलरेडी पैरामीटर दिया हुआ, तो वो उसको कैटर कर ले, यानी कि फिर कोई एरर ना दे। होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अब हम लोग चलते हैं आगे और हम अपनी क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और ये बताते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हम लोग पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ तक कोई सवाल हो तो वो आपसे पूछ के डिस्कस सर, कर सकते हैं। जी अगर ये मेथड जो है हम क्लास के बाहर डिफाइन कर दें सेल्फ के साथ, या मतलब अगर इसके सेल्फ ना दें तो ये नॉर्मल फंक्शन बन जाता है फिर क्या? क्लास के बाहर तो करेंगे तो वो फिर क्लास का पार्ट थोड़ी रहेगा, क्लास नहीं सर, इसी फंक्शन में के बाहर सेल्फ के बगैर जब बनाया था फंक्शन, वो नॉर्मल फंक्शन बन गया था फिर, क्लास का फंक्शन नहीं था वो। नहीं, वो क्लास का फंक्शन, क्लास का फंक्शन ही था लेकिन वो गलत लिखा। अगर आपने फंक्शन लिखना है तो वो फिर वो क्लास के अंदर नहीं आएगा फंक्शन, जो जो दूसरे आप फंक्शन बनाते हैं, देखिए इसको फंक्शन ना समझे, इसको आप मेथड समझे। कोई भी फंक्शन आप क्लास के अंदर बनाएंगे वो मेथड होता है, तो मेथड और जो आप फंक्शन आपने पहले बनाना सीखे वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा ना कि ये एक स्पेशल फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल फंक्शन है। तो अगर आप क्लास के बाहर लेके जाएंगे तो फिर वो एक नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा जिसमें आपने बनाना सीखा, ठीक है। ठीक है सर, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, एक और क्लास बनाते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, और उसका नाम मैं रखता हूँ लॉयन, ठीक है। और मैं आपको इसको तेजी से आपको बना के बताता हूँ, इसके अंदर मैं एक मेथड ऐड करता हूँ। लेट सपोज के लॉयन मूव करेगा, लॉयन मूव करेगा, तो मैंने एक मेथड बना दिया और मैंने कहा सेल्फ, और सेल्फ करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कि लेट सपोज के रिटर्न मैंने करवा दिया, रिटर्न मैंने करवा दिया, लॉयन इज मूविंग, ठीक है।
तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली मेथड है, ये एक्चुअली मेथड है। अब जब आप लॉइन की लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लॉइन का ऑब्जेक्ट आप क्या देंगे, LOIN लॉइन, और ब्रैकेट देंगे, और उसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ना किसी वेरिएबल के साथ आप रख देंगे। जिसमें लास्ट ऊपर मैंने लियो लिखा था, तो मैं लियो ले लेता हूँ इधर। अब क्या हुआ, लियो जो है, लियो का एल क्या, लियो का एक मेथड है, लियो का एक मेथड है, उसका नाम है मूव। जैसे ही आप मूव को कॉल करेंगे तो वो आएगा लॉइन इज मूविंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, दिस इज द मेथड। और किसका मेथड है, मेथड हमेशा क्लास के होते हैं। तो आई होप के डॉक्टर साहब आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़े, जी सर, ठीक है जी। चले चले। अब हम लोग आगे बढ़े हैं, और हम लोग थोड़े से और मेथड पे बात कर लेते हैं, एक और मेथड ऐड करते हैं। एक मेथड इस तरह से ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि और मेथड में डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, मेथड को आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैं एट्रीब्यूट की तरफ भी आऊंगा, तो मैं इसी क्लास को दोबारा लेता हूँ, एलिफेंट की क्लास को। इसमें मैं थोड़ा सा और अपडेट करता हूँ। इसमें लेट्स एड अनदर मेथड, लेट्स एड अनदर मेथड, और डेफ के अंदर मैं कह देता हूँ कि लेट्स सपोज की मेमोरी बनाते हैं, ये इसकी एक मेमोरी क्लास बनाते हैं, ये मेमोराइज भी करेगा। अल्लाह ताला हमारे हमारी जब क्लास डिफाइन करी होगी अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने बताया होगा कि इंसान की मेमोरी ऐसी होगी, इंसान का बोलना ऐसा होगा, इंसान वॉक करेगा तो वॉक उसके मेथड हो गए, इंसान रन करेगा, तो वो अल्लाह ताला ने हमारी एक क्लास को डिफाइन किया होगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला की पता नहीं कितनी क्रिएशंस हैं, तो अल्लाह ताला क्रिएशंस को उसी क्लास के अंदर रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहते हैं ना कि इंसान जो है वो पहले बंदर था, तो ऐसा नहीं हो सकता इंसानों में बंदर पैदा हो जाए। ठीक है, हर क्लास को अल्लाह ताला ने डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वो सिर्फ चलता है हमारे। तो जब भी ये फंक्शन बना मेथड बनाना आप सेल्फ लिखेंगे, ये क्लास की बात हो रही है, ये नॉर्मल फंक्शन की बात नहीं हो रही। नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन में सेल्फ नहीं आता, लेकिन क्लास के अंदर जितने भी मेथड बनेंगे हेल्प लिखेंगे उसकी पूरी मैंने बता दी। और मैंने कहा कि इसमें कोई मेमोरी की लिस्ट आ जाएगी, मेमोरी लिस्ट आएगी। तो आपने क्या किया, पहले हमारे मेथड में सेल्फ तो था, लेकिन कोई और पैरामीटर नहीं था। मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर कर दिया, और आपने देखा होगा जितने भी फंक्शन हमने नॉर्मल फंक्शन पहले बनाए, इसमें आप जितने पैरामीटर लेना चाहें लें, और उतने ही फिर आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। तो अगर आप फंक्शन की वीडियोस में दोबारा जाके देखें, तो हमने पैरामीटर्स को और आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया था। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी जितने चाहे पैरामीटर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ये दे रहा था कि सिर्फ सेल्फ नहीं, बल्कि आप सेल्फ तो एक ऑटोमेटिक पैरामीटर आपने देना ही देना है, देना ही देना है, भले आप कोई और पैरामीटर दे या ना दे, सेल्फ इज मैंडेटरी इन क्लास। ठीक है, तो आपने मेमोरी लिस्ट दे दी, और आपने क्या कर दिया कि भाई ये इसको मैं जो भी याद करवाऊंगा ये वो रिटर्न भी करेगा, यानी याद भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल बना रहा हूँ, असल तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, असल हम करेंगे, तो मैंने कहा ये रिटर्न कर देगा मेमोरी लिस्ट। आए जरा देखते हैं कि ये जो हमने क्लास बनाई है, या जो हमने अभी क्लास को अपडेट किया है, तो ये क्लास कैसे कॉल हो रही है। तो वही करेंगे, बबल बबल के साथ हम एलिफेंट के ऑब्जेक्ट को जो है वो इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। इंस्टेंशिएट करने का तरीका ये मैंने आपको बताया था, और अब हम लोग कॉल करेंगे किसको, किसको कॉल करेंगे, इस वाली क्लास को। तो बबल के अंदर जब ये क्लास लूंगा, बबल के अंदर इस क्लास को करूंगा, तो कितने कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर मैं मेमोरी को कॉल करूं तो कितने दूं, मैं मेमोरी के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास करूं अभी, मैं बताइए। सर एक ही पास होगा, जैसे एक तो वो सेल्फ में ले ही रहे हाँ हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि बबल तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ रहा है, बबल तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो बबल तो मुझे पास करने की जरूरत नहीं, तो सेल्फ तो ऑटोमेटिक होता है। ये तो एक घूस टाइप का है, घूस समझते हैं ना, जो आप जिसको आप देख नहीं सकते, वो कहते हैं घूस। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो होगी लिस्ट, और वो इस लिस्ट को याद करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बबल है, ट्री को पहचानेगा, ट्री क्या होता है, वो फूड को पहचान लेगा कि अच्छा ये मेरा फूड है। अच्छा वो ये अपने अपने जो है वो क्या कहते हैं, अपनी मदर को पहचानेगा ये इसकी मदर है। तो मैंने इसकी मेमोरी में कुछ चीजें डाल दी। अब क्या होगा,
जब मैं इसको कॉल करूंगा तो देखना ये उन तमाम चीजों को इसने मेमोराइज भी कर लिया और आपने रिटर्न कर लिया। लेकिन एक बात है, ये मेथड जो मैं बना रहा हूँ, ये मेथड बनाने की क्या जरूरत है कि मैंने एक इनपुट दिया उसने आउटपुट दे दिया, इनपुट दिया आउटपुट दे दिया, ये तो मैं अपने नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकता हूँ, तो फिर मुझे क्लास की क्यों जरूरत है? तो मुझे क्लास की क्यों जरूरत है अगर ये सारे काम कि मैं इनपुट दूं वो आउटपुट दे दे, इनपुट दूं आउटपुट दे दे, तो ये तो क्लास क्यों भाई? मैं तो फंक्शन बना लूं। तो क्लास का जो असल पर्पज है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लास का जो असल पर्पज होता है वो ये होता है कि वो अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सके। क्या कर सके? अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सके। तो हमें हमारी क्लास अभी इस काबिल नहीं है कि वो अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी क्लास को जो है वो इस काबिल बनाना पड़ेगा, जो कि इसका एक मेन फंक्शन है या मेन एट्रीब्यूट है, वो क्या है कि ये स्टोर करता है कुछ चीजों को, स्पेसिफिक वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल्ला जो है वो इंस्टेंस है ह्यूमन क्लास का। तो मैं अब्दुल्ला से पूछूंगा, अब्दुल्ला को अगर मैं नहीं जानता तो मैं पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, तो आगे के अंदर कुछ चीजें स्टोर होंगी, तो अब्दुल्ला फौरन बोलेंगे आई एम अब्दुल्ला। मैं पूछूंगा व्हाट्स योर एज, अब्दुल्ला के अंदर ये चीज स्टोर होगी, अब्दुल्ला कहेंगे माई एज इज दिस। मैं पूछूंगा क्या कहते हैं वेयर डू यू लिव, तो अब्दुल्ला के अंदर कुछ चीजें स्टोर होंगी, वो फौरन बता देंगे भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला क्योंकि एक ह्यूमन क्लास का पार्ट है, तो इनके अंदर भी स्टोरेज है, यानी कि इनके अंदर कुछ चीज स्टोर हुई भी है। और वो स्टोर कैसे करवाते हैं हम डेटा के अंदर, हम डेटा सॉरी क्लास के अंदर, वो हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो अपनी एलिफेंट क्लास के अंदर डेटा को स्टोर करवाते हैं, विच इज एक्चुअली हमारे जो क्लास है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल जो पावर है वो यही है कि वो स्टोर करता है। तो क्या करता है? वो स्टोर करता है। तो आए जरा देखें कि हम लोग ये स्टोर किस तरह करवाते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज स्टोर करवानी हो तो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। चलिए वो एक सेपरेट क्लास से बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास लॉइन की बात कर रहे थे, अगर मैं क्लास लॉइन पे दोबारा चले जाऊं और क्लास लॉइन पे जाके मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर मैं डेटा कैसे स्टोर कर सकता, कोई मेथड नहीं लिख रहा, तो आपने डेफ लिखना है, डेफ के बाद आपने डबल अंडर स्कोर डालना है। तो डबल अंडर स्कोर का मतलब ये हो गया कि हम इसको कभी कभी कहते हैं ड्यू अंडर मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? ड्यू अंडर मेथड, ड्यू अंडर मेथड है। तो इसमें डबल अंडर स्कोर आता है, इसमें क्या आता है? डबल अंडर स्कोर। फिर आप इनिट लिखते हैं, इनिट का क्या मतलब है? इनिट का मतलब ये है कि जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड ड्यू अंडर मेथड कॉल हो जाएगा। आप देखें, बाकी मेथड को आपको कॉल करना पड़ रहा है, बाकी मेथड को आपको डॉट लगा के कॉल करना पड़ रहा है, जितने भी मेथड होते हैं डॉट लगा के कॉल होते हैं, जबकि इनिट मेथड, क्योंकि इनिट का मतलब क्या होगा? इनिशियलाइज। इनिट का क्या मतलब होगा? अच्छा, इसको कंस्ट्रक्ट, ड्यू अंडर मेथड भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो हमारा जो ड्यू अंडर मेथड है ये कंस्ट्रक्टर। अच्छा देखें, शुरू में भी आपने डबल अंडरस्कोर लगाना है, इनिट के बाद भी डबल अंडरस्कोर लगाना है, तो ये हमारा ड्यू अंडर मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर है हमारा। और ये कब कॉल होगा? ये जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, किस तरह लिखते हैं? देखें, ये भी एक मेथड ही है, ये भी एक मेथड ही है, लेकिन तो इस मेथड में भी सेल्फ आएगा। क्या आएगा? इस मेथड में भी सेल्फ आएगा। मैंने कहा जितने भी आप मेथड बनाएंगे उसमें सेल्फ ही आएगा। तो मैंने एक मेथड बना दिया और मैंने कह दिया कि इसको एज अपनी याद रहेगी। इसको क्या याद रहेगा? अपनी एज याद रहेगी। तो मैंने यहाँ पे स्टोरेज सिर्फ इसकी एज ही करवाई है, आइंदा कभी भी मैं इससे पूछूंगा इसको अपनी एज याद रहेगी। और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल किस तरह बनाते हैं कि ये हमारी जो एज है, वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू असाइन होती है, तो मैंने कहा एज। वेरिएबल कैसे बनाते हैं क्लास के अंदर? वेरिएबल के तरीके आप सेल्फ लिखेंगे और फिर डॉट लगा के उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका नाम एज ही रख दे रहा हूँ। तो ये जो है ये वेरिएबल है, और ये क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी 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 लॉइन की एज है 2 ईयर्स, तो इधर आ जाएगा 2 ईयर्स। और इसको हम कॉल कैसे करेंगे उसकी एज को? कॉल कैसे करेंगे? बोलिए, कॉल कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट एज। और सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लियो। सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लियो। आए जरा देखते हैं कि क्या इसके अंदर मेमोरी आई है कि नहीं। अब देखें, जब आप क्लास को लियो लियो
के साथ आप लॉइन को जो है वो इंस्टेंशिएट करते हैं। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले तो मैं कुछ नहीं दे रहा था, मैंने कहा ना ये फॉरन ये वाला मेथड कॉल होता है, तो क्या जब मैं ये लॉइन बना रहा होगा तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टर वाला बताइए। सर, इसमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा सर। तो देखिए ना, मैंने कहा बाकी मेथड को तो आपको कॉल करवाना पड़ता है, लेकिन जब जो भी इनिट का मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो इसका मतलब ये कि जब भी आप लॉइन लिखेंगे तो आप ये आपसे नाराज होगा। आप देखिए पहले मैं लॉइन कैसे बना रहा था, पहले मैं लॉइन कैसे बना रहा था, कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, मेरे पास कंस्ट्रक्टर या ड्यूएंडर मेथड था ही नहीं, या इनिशियलाइजर था ही नहीं, लेकिन अब मेरी क्लास के अंदर इनिशियलाइजर भी मौजूद है। तो अब जब भी मैं लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा सब खुद ब खुद ये वाला मेथड कॉल होगा, और जब मेथड कॉल होगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी एज जो है वो 3 ईयर्स है, और अगर मैं नहीं बताता तो ये नाराज हो जाएगा। ये देखें कह रहे हैं कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज, तो हमें ये पता चला कि इनिट का जो मेथड है वो अपने आप को खुद ही कॉल कर लेता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसके अलावा जितने भी मेथड है वो आपको कॉल करने पड़ेंगे एक्सेप्ट इनिट मेथड। तो यहाँ से हमें एक और बात भी पता चली कि इनिट मेथड या कंस्ट्रक्टर या ड्यूइंडर मेथड वो मेथड होता है जो डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, और ये आपके पास कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हो, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे ये पता चलाना है कि लियो की एज कितनी है, तो मैं लियो से पूछूंगा लियो व्हाट्स योर एज, तो लियो से पूछने का तरीका क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा, लियो की एज कैसे पता चले मुझे बताइए। लियो डॉट लियो डॉट वो मैं एज लियो डॉट एज, तो क्योंकि लियो के अंदर वो मेमोरी सेफ है, तो जैसे मैं कहूंगा लियो डॉट एज तो वो बता देगा। तो देखें मेथड और एट्रीब्यूट को कॉल करने का, मेथड में हमेशा ब्रैकेट आता है, जबकि एट्रीब्यूट जब भी कॉल करेंगे तो उसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट आप ये समझ लें जिस तरह के मेथड एक स्पेशल फंक्शन था, मेथड आपका एक स्पेशल फंक्शन था, मेथड को आप कह रहे थे ये एक स्पेशल फंक्शन है क्लास का, तो आप ये समझ लें कि ये जो आपका एट्रीब्यूट है इसको हम टेक्निकली एट्रीब्यूट कहते हैं, इसको हम टेक्निकली एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है, आम जबान में इसको क्या कहेंगे क्लास के बाहर, ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, स्पेशल वेरिएबल है, आप ये समझ, स्पेशल वेरिएबल है। जैसे कि आपका स्पेशल फंक्शन को हम मेथड कहते हैं, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, सिंपल बात हो गई। तो हमने एट्रीब्यूट को करना है, हमने किसी भी एट्रीब्यूट को कॉल करना है, तो हम सेल्फ लिखा हुआ है सेल्फ डॉट एज, तो मैंने सेल्फ की जगह पे लियो रख दिया क्योंकि अब सेल्फ कन्वर्ट हो गया लियो से। अगर कोई और होगी, मिसाल के तौर पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ लिया, और मैं उसकी एज लिख देता हूँ लिया जो है वो उसकी मदर है, वो 6 ईयर की है। अब जो मैं कॉल करूंगा, मैं करूंगा लिया डॉट एज, अब मैं कॉल करूंगा लिया डॉट एज, तो लिया की एज आ गई 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्फ है ये एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा, और इस तरीके से हमने कर लिया। तो यहाँ से तो मैंने आपको बात बता दी कि आप किस तरीके से जो है वो अपने पास डेटा को किसी भी क्लास के अंदर डेटा को अगर स्टोर करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे। अब आते हैं एलिफेंट क्लास पे, क्योंकि इस पे तो हम ट्राई करते हैं और एलिफेंट क्लास को एक्चुअली हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अपना ट्राई पूरा किया और अब हम अपनी एलिफेंट क्लास के अंदर वापस चलते हैं। और एलिफेंट क्लास के अंदर सबसे पहले, सबसे ऊपर हमेशा याद रखिएगा ड्यूंडर मेथड आएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर क्या आएगा बोलिए, सबसे ऊपर क्या आएगा ड्यूंडर मेथड आएगा। तो सर, सबसे ऊपर आपने क्या लिखना है, जो सबसे पहला मेथड होता है वो हमेशा ड्यूएंडर मेथड होता है। मैंने आपको सबसे पहले नहीं पढ़ाया, मैंने इस वजह से आपको पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज पहले ना पढ़ाई जाए वो पहले आए नहीं। आपने देखा है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कौन से पारे से स्टार्ट किए करवाया जाता है, अम्मा पारे से, किससे करवाया जाता है ज्यादातर, अम्मा से, क्योंकि उसमें सूरतें छोटी हैं, और वो भी फिर आप पीछे से पढ़ते हो। ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस देखी, जो हमारे जो कारी हजरात हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस रखते हैं कि वो आपको छोटी सूरतों से स्टार्ट करते हैं, सूरह इखलास से, सूरह नास से, सूरह फलक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आपने पहले स्टार्ट किया वो आखिर नहीं हो सकता और जो आखिर में स्टार्ट किया वो पहले नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास ये जो ड्यूंडर मेथड है, इट्स अ वेरी फर्स्ट मेथड जो कि आपको हमेशा शुरू में बनाना पड़ेगा।
हमेशा शुरू में बनाना पड़ेगा, आपको आखिर में नहीं बना सकते। इसी तरीके से जैसे आप डॉग स्ट्रिंग जो फंक्शन में लिखते हैं वो हमेशा आप ऊपर लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, इधर भी आपने यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेल्फ लिखेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको दो तीन बातें पता हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको ये पता हो कि इसका फेवरेट फूड क्या है, या फूड क्या है, फूड का पता हो इसको। फूड के बाद इसको ये पता हो, या हमें पता हो कि ये कितना फ्रेंडली है। तो मैं दो चीजें इसके अंदर डाल देता हूँ, फ्रेंडली। तो इसका मतलब है मैं दो चीजें, जैसे ये होगा तो हमें पता होगा, क्योंकि हम वर्चुअल जू बना रहे हैं एक तरीके से, आप ये समझ लें। तो वर्चुअल जू में हमें पता है कि कोई एलिफेंट है वो कितना फ्रेंडली है, कोई फ्रेंड है वो कितना जो है वो वाइल्ड है। तो हम ये भी बता रहे हैं कौन सा एलिफेंट क्या खाना ज्यादा पसंद करता है और कौन सा क्या खाना ज्यादा पसंद करता है। इसी तरीके से जैसे ह्यूमन जो है वो सभी सेम है, लेकिन किसी को कुछ फूड अच्छा लगता है और किसी को कोई और फूड अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से एलिफेंट की नेचर भी ये होती है। तो ये हम लोगों ने कर दिया, और हम लोगों ने अब क्या बनाएंगे, हम हमेशा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ क्या बनता है, वेरिएबल्स बनते हैं। क्या बनते हैं उसके साथ, वेरिएबल्स बनते हैं। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट लेट सपोज फूड इज इक्वल टू जो भी फूड की वैल्यू होगी वो उसके साथ हम असाइन करें। जरूरी नहीं है यहाँ पे फूड लिखें, यहाँ पे आप फेवरेट फूड लिखते हैं, फिर आपको फेवरेट फूड ही कॉल करना पड़ेगा, बल्कि फूड यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे फेवरेट फूड लिखते हैं। फेवरेट फूड, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेल्फ डॉट फूड इज इक्वल टू फेवरेट फूड, जो भी हम फेवरेट फूड बताएंगे वो इसका इधर आ जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास में, अभी ये बहुत आसान ही करवा रहा हूँ आपको, अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास तक रेडी नहीं हुए तो फिर यही टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, क्योंकि आगे जाके जो है ना वो क्लासेस इतनी आसान नहीं रहती हैं, वो मुश्किल हो जाती हैं। तो अभी आप लोगों ने बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि यार चीजें बहुत आसान है तो मैं कर लूंगा, या नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, मुझे तो अभी समझ आ गया। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड, या फ्रेंडली लेस, जो भी आपने लिखना है, या फ्रेंडली लिख देते हैं। तो फ्रेंडली के साथ क्या आ जाएगा, जो भी फ्रेंडलीनेस की हमारे वैल्यू दी है वो हमारे पास आ जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने दोबारा से क्लास को कॉल करें, इतनी मतलब आपसे क्लास कॉल करवा रहा हूँ कि आपको कभी भी गुंजाइश, ये हमारा क्या हो जाएगा, कभी भी आपको ये ना लगे कि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के साथ मैं क्लास को इंस्टेंशिएट कराऊंगा, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो आइटम मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो मैंने कह दिया कि भाई इस वाटरमेलन पसंद है, वाटरमेलन पसंद है इसको, और ये फ्रेंडलीनेस की अगर मैं इसको करूँ तो अगर मैं 100 नंबर का है, 100 नंबर टोटल बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो तो 100 हो, मैं इसको 70 दे देता हूँ कि यार इस फ्रेंडली, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टोटली फ्रेंडली हो। अगर आप इसको तंग करेंगे तो फिर आपके साथ ये करेगा। तो अब आपने ये दो चीजें कर ली। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज को कॉल करना तो आप कॉल करें। मुझे इसके फूड को कॉल करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, फूड को कॉल करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, फूड। तो ये मुझे बता बबल देगा डॉट कि पर हमारे, अच्छा ये मैंने रन नहीं किया, दोबारा रन करते हैं। एलिफेंट हैज नो एट्रीब्यूट फूड, फूड तो है, बबल सॉरी एस नहीं लगाया मैंने, तो मेरे पास वाटरमेलन आ गया। अब्दुल्ला आप कुछ कह रहे थे, अब्दुल्ला आप कुछ कह रहे थे, सर, ये नहीं सर, ये मैथड ही बात कर रहा था। सही है थैंक यू थैंक यू। अच्छा लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे को, हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स बनाने देख लिए, मेथड्स बनाने देख लिए, जो कि हमारे शुरू के भी पॉइंट्स थे। 3 to 4 पॉइंट जो हम लोग बता रहे थे वो यही थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द वेरिएबल, तो ये ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल होगी। क्लास क्या होती है, क्लास हमने बनाना देख लिया। टाइप क्या होती है, टाइप का मतलब है कि वकास जो है, वकास की टाइप क्या है, या वकास जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने देख लिया। मेथड हमने बनाना देख लिए, और अब हम लोगों ने एट्रीब्यूट बनाना देख लिया। एट्रीब्यूट कैसे बनाए, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट फूड, सेल्फ डॉट फ्रेंडलीनेस, तो हम लोगों ने एट्रीब्यूट, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। तो ऑलमोस्ट वी आर डन, वी आर डन। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक और जो है वो ऐड कर लेते हैं, एक और लेट सपोज एक और मेथड ऐड करते हैं। अच्छा, कल को आपका एलिफेंट और फ्रेंडली हो जाता है, या फ्रेंडलीनेस उसकी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आप एक मेथड बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप इसकी फ्रेंडलीनेस
जाहिर बात है कि फ्रेंडलीनेस जो है वो आप कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक और मेथड बनाता हूँ इसके अंदर, और मैं कहता हूँ कि क्या कह सकते हैं, इम्प्रूव इम्प्रूव फ्रेंडलीनेस का मेथड बनाता हूँ, क्योंकि और यहाँ पे क्या लिखूंगा सेल्फ, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कुछ भी नाम लिख दें, फ्रेंडली नेस, फ्रेंडलीनेस फ्रेंडलीनेस बूस्ट कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं कि ये फ्रेंडलीनेस इसकी बूस्ट कैसे होगी। अब देखिए ओरिजिनल इसकी फ्रेंडलीनेस कितनी थी, लेट सपोज इधर थी 70, अब मुझे फ्रेंडलीनेस बूस्ट करनी है 10, तो मैं कैसे बूस्ट करवाऊंगा, मैं इस चीज को कॉल करूंगा जो ओरिजिनल वाली है, उसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, उसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, जितनी बूस्ट होगी। ये तो आपकी नॉर्मल मैथ है, ये तो आपकी नॉर्मल वेरिएबल को अपडेट करने का तरीका है। वेरिएबल को अपडेट करने का क्या तरीका है, आप उस वेरिएबल को कॉल करें, उसके अंदर आप ऐड कर दें। तो यहां तक बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो आपकी आपका क्या हुआ, आपका बूस्टिंग हो गई। लेकिन लेट सपोज मैं इसमें से कोई चीज रिटर्न नहीं करवाता, मैं कहता हूँ नहीं मैं रिटर्न ही नहीं करवा रहा, क्योंकि जिस जिस चीज को मैंने रिटर्न करवाना है वो कैसे मिल सकती है मुझे, जिस चीज को मुझे रिटर्न करवाना है वो मुझे कैसे मिल सकती है, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख के फ्रेंडली कॉल करूंगा मिल जाएगी। अब देखें आगे तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं वही दोबारा से कॉल करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया इसकी ओरिजिनल जो बबल की जो फ्रेंडलीनेस है वो 70 है। अब आपने कहा कि अच्छा आपने कॉल भी करके देख लिया कि भाई बबल आपकी आपकी जो फ्रेंडलीनेस है वो कितनी है, तो बता दिया कि मैं तो मेरी फ्रेंडलीनेस स्कोर है 70। आई वॉन्ट टू इंक्रीज दिस, तो कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। देखिए बहुत ही एक तो आसान तरीका ये है कि आप इसके साथ ही असाइन कर दें, आप इसको साथ असाइन कर दें 65 आप इसके साथ असाइन कर दें 65, क्योंकि बबल डॉट फ्रेंडली किसको जाके अपडेट करेगा, बबल डॉट फ्रेंडली किसको जाके अपडेट करेगा, इस चीज को जाके अपडेट करेगा ना, तो आपने कर दिया 65। तो लेट सपोज अब मैं अगर कॉल करूं दोबारा से, मैं दोबारा से कॉल करूं बबल डॉट फ्रेंडली, तो ये कह रहा है 65 है आपकी। लेकिन ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है क्लास के लिए, क्लास के लिए अपडेट करने का तरीका नहीं, आप मेथड बनाए, आप क्या करें मेथड बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेथड बना चुका हूँ, मेथड कैसे बनाऊंगा, मेरा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है उसको कॉल किया, और मैंने क्या किया इस मेथड को कॉल कर लिया। ये कितने आर्गुमेंट लेगा मुझसे, ये कितने आर्गुमेंट लेगा, सेल्फ तो खुद ही चले जाएगा, एक ही आर्गुमेंट लेगा, मैं कहूंगा भाई अभी 65 है, लेट सपोज अभी तो मैंने 65 कर दी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई इसमें 22 और इंक्रीज कर दें, 22 और इंक्रीज कर दें। आपने क्या किया, आपने एक अनदर मेथड बनाया जिससे आपकी जो वो है फ्रेंडलीनेस हो गई इम्प्रूव हो गई, फ्रेंडलीनेस क्या हो गई आपकी इम्प्रूव हो गई। तो हमने इसको कॉल करते, और उसके बाद मैं जैसे ही इस चीज को कॉल करूंगा दोबारा से, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी फ्रेंडलीनेस अब 87 हो गई है। तो हमेशा क्या करें, क्लासेस के अंदर आप मेथड बनाएं और मेथड के थ्रू काम करें, क्योंकि एट्रीब्यूट आप वैसे भी कर देंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरे कॉन्सेप्ट जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आपने जो क्लास बनाई है वो काम किस तरीके से कर रही है। अच्छा आप चाहें तो मैं इसको एट्रीब्यूट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको एट्रीब्यूट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, आप एक ऐसा एक ऐसा मेथड बना दें जो फ्रेंडलीनेस स्कोर को खुद ही कॉल करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, मुझे बार बार सेल्फ डॉट फ्रेंडलीनेस, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिवनेस, कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज को ऐड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई सेल्फ डॉट फ्रेंडलीनेस तो ठीक है, लेकिन मैं इसका एक मेथड बना देता हूँ, और उस मेथड के थ्रू जो है वो मैं इसको कॉल कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, डेफ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्प्ले फ्रेंडलीनेस, एक और मेथड बना लेता हूँ फ्रेंडलीनेस, और मैंने कहा ये कुछ नहीं लेगा, ये बस क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये चीज को रिटर्न कर दिया करेगा, ये क्या करेगा, ये आपकी फ्रेंडलीनेस को रिटर्न कर दिया करेगा। तो मैंने लिख दिया रिटर्न। अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं अपना ये बनाऊंगा,
ये मैंने इंस्टेंस बनाया, और अब मेरे पास कितने तरीके हैं फ्रेंडलीनेस को कॉल करने के, बताइए आप लोग। फ्रेंडलीनेस को कॉल करने के तरीके हैं, हाउ मैनी मेथड डू वी हैव टू कॉल द फ्रेंडलीनेस स्कोर, एनीवन? एक मेथड तो ये है कि आप वेरिएबल एट्रीब्यूट के थ्रू कॉल करें। एट्रीब्यूट किस तरह कॉल होता है? एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप उसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या बनाया? मैंने एक मेथड ही बना दिया। दूसरा तरीका क्या है? मैंने एक मेथड ही बना दिया। अगर आप बबल्स, तो आपको मैंने एट्रीब्यूट और मेथडों का तरीका बता दिया है, और दोनों में डिफरेंस भी आप देख लेंगे। देखें, एट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मेथड कॉल करेंगे तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इट्स योर चॉइस कि आप अपने मेथड को या अपनी चीजों को कैसे डेवलप करते हैं। आए मिसाल के तौर पे, आपने एक नया एलिफेंट लेकर आए, और नए एलिफेंट जो है वो अभी इतना ज्यादा टेम नहीं है, इतना ज्यादा आपके जू में टेम नहीं है, तो वो फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट जो है वो वाइल्ड होते हैं। एलिफेंट क्या है? इज अ वाइल्ड एनिमल। एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। तो आप चाहते हैं कि मैं ये काउंट करते रहूं कि मैंने कितनी मरतबा बूस्ट करवाया, मैंने कितनी मरतबा बूस्ट करवाया। तो आप एक काम करें, मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ, फिलहाल इसको हटा देता हूँ। मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे ये पता चलते रहे कि कितनी मरतबा मैंने इसकी फ्रेंडलीनेस बूस्ट करवाई है। तो जरूरी नहीं है कि जब आप इनिट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दें, सिर्फ उसी का आप यहाँ पे जिक्र करें। आप कुछ ऐसी चीज भी कर सकते हैं, आप इधर ना भी दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट अपडेट, कि कितनी मरतबा मैं अपडेट करूंगा इसको, और इसकी वैल्यू मैं 0 डाल देता। आप देखें, वो ये चीज मैंने अपडेट अपडेट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा कहीं पे भी, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट 0 वैल्यू डाल। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैरामीटर दें, पैरामीटर दिए बगैर भी आप काम कर सकते हैं, और मैंने देखे यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया। जहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर हैं, उन 2 पैरामीटर को तो मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा डिफॉल्ट एट्रीब्यूट बन गया। ये मेरा क्या बन गया? डिफॉल्ट एट्रीब्यूट बन गया। तो आप अपने डिफॉल्ट एट्रीब्यूट भी बना सकते, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। लेट सपोज आपके पास जो है वो एक नया एलिफेंट आता है, एक नया एलिफेंट आपके जू में आता है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे उसका नाम है, लेट सपोज डूड, उसका नाम है डूड। एक नया एलिफेंट आपके जू में आता है, आपने क्या किया? 2 चीजें देंगे, एक उसका फूड देंगे। फूड आपने कहा कि भाई ये बनाना, इसको बनाना पसंद है, और इसका फ्रेंडलीनेस अभी ये कम है, ये तो अभी नया नया आया, इतना फ्रेंडलीनेस नहीं है। तो ये आपका एक और आ गया डूड। अब डूड आया तो आपने क्या किया? आपने ये किया, मैं इसको जितना ट्रेन करूंगा उतना जो है वो मैं बताता रहूंगा। तो आपने इम्प्रूव फ्रेंडलीनेस करा। जब इम्प्रूव फ्रेंडलीनेस होगा तो कितनी मरतबा ये अपडेट हो जाएगा, बताइए? जब पहली मरतबा आप फ्रेंडलीनेस बूस्ट करवाएंगे, तो अभी ओरिजिनली 30 है, तो अपडेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपडेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप एक मरतबा इस चीज को कॉल करेंगे? तो अभी 0 थर्टी है प्लस जब जीरो आप अभी 0 थर्टी है जब प्लस इसको जीरो कॉल करें, तो सेल्फ अपडेट 0 नहीं होगा ना, एक मरतबा तो हो जाएगा ना, ऐड 1 आएगा ना इधर। अगर आप एक मरतबा कॉल करेंगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, फिर दूसरी मरतबा करेंगे तो फिर एक और मरतबा 1 ऐड हो जाएगा। तो जितनी मरतबा आप इसकी फ्रेंडलीनेस बूस्ट का कॉल करेंगे, उतनी मरतबा ये अपडेट भी होता रहेगा, उतनी मरतबा ये अपडेट भी होता रहेगा। तो लेट सपोज कि ये मेरे पास आ गया, और मैंने ड्यूट को जो है वो बना भी लिया। अब ड्यूट जो है वो हमारे अभी थोड़े से नाराज है हमसे, क्योंकि अभी आए नहीं है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम लगाया इनके ऊपर, और थोड़ा टाइम लगाने के बाद मैंने कहा कि भाई अब इनकी फ्रेंडलीनेस जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है, फ्रेंडलीनेस थोड़ी सी इनकी इंप्रूव हो गई। तो आपने क्या किया, डॉट लगा के कॉल किया, और आपने कहा ठीक है अभी 20 स्कोर और दे देते हैं, ये थोड़ा बेहतर हो गए। तो अभी ड्यूट का जो फ्रेंडलीनेस है वो कितना इंप्रूव हुआ होगा? टोटल वैल्यू कितनी हो गई होगी? टोटल वैल्यू कितनी हो गई होगी? टोटल वैल्यू तो हमारे पास आ गई होगी 50। 50, लेकिन अपडेट कितनी मरतबा हो गया होगा ये? दो दफा अपडेट 1 टाइम, कितनी मरतबा? नहीं,
ओरिजिनली को काउंट ना करें, ओरिजिनल तो वो ओरिजिनली अपने साथ लेकर आया था ना, ओरिजिनल तो वो अपने साथ खुद लेकर आया था, तो अभी कितनी मरतब हुई होगी, टाइम। तो देखिए 1 टाइम, अगर मैं इसको दोबारा से कॉल कर लूँ, दोबारा से कॉल कर लूँ और मैं कहूँ 5 मैंने और इम्प्रूव कर दी, 5 मैंने और इम्प्रूव कर दी, और अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूँ ड्यू डॉट अपडेट को, तो ये मुझे बताएगा कि मैं 2 मरतबा अपडेट हो चुका हूँ, मेरी फ्लैट अपडेट हो चुकी है। तो सारे कॉन्सेप्ट स्कूप के अंदर वही है पुराने वाले, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप, और फिर इस सेशन को आज यहीं पे ही एंड करेंगे। वो ये है कि जब भी आप क्लास पे जाएं, तो क्लास इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पहली बात तो ये। जबकि आप जो पहले क्लास के अलावा जितनी भी चीजें काम करते हैं उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि वो सिक्वेंशियल बेस्ड होती है। क्लास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि क्लास में कोई चीज सीक्वेंस पे नहीं होती, सीक्वेंस पे कैसे नहीं चल रही होती। अब आपने देखा कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद इम्प्रूव फ्रेंडलीनेस तक मेथड कॉल कर लिया, तो क्या मैंने सीक्वेंस में कॉल किया है, बताइए क्या मैंने सीक्वेंस में चीजें कॉल की हैं, बोलिए। जब नो मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि क्लासेस जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है इट इज अराउंड द सीक्वेंसेस, इट इज अराउंड द स्टेप्स, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। लेकिन जो आपकी क्लासेस होती है इसका तमाम सराउंडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के गर्द होती है, मतलब क्लास इज अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें सीक्वेंस नहीं होती है, जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में सीक्वेंसेस होती है, वन बाय वन काम होता है। तो एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट होती है, जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अराउंड द स्टेप्स या अराउंड द सीक्वेंसेस होती है, तो वो वन बाय वन चलते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास क्लास के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक मेथड होते हैं और एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, स्पेशल वेरिएबल है, देखें वेरिएबल है क्योंकि ये वेरिएबल बनाने का तरीका यही होता है, तो हम एट्रीब्यूट को स्पेशल वेरिएबल कहते हैं। वैसे टेक्निकली हम क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जबकि क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे क्लास के अंदर वो मेथड कहलाएंगे। और याद रखिएगा क्लास के अंदर जितने भी आप मेथड बनाएंगे उन सब में सबसे पहले सेल्फ डालेंगे, क्योंकि जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करता है, जो भी आपने उसके साथ वेरिएबल असाइन करता है वो उसको अपने पास कॉल करता है, तो उस कॉल्स करता है तो वो एरर देगा, उस एरर से बचने के लिए आपने क्या लिखना है, सेल्फ लिखना है। और आप क्लासेस बनाते जाएं और उस पर काम करते जाएं। क्लासेस की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आप कोई भी मेथड बीच में कॉल कर लें, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के अराउंड होता है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, वो सीक्वेंसेस को नहीं देख रहा होता, और आपका काम आसान होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से कोई काम करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन हर जगह पे, खास तौर पे अगर मैं गेमिंग में देखता हूँ, मैं वेबसाइट में देखता हूँ, तो वहां पे क्लासेस बनी हुई होती हैं और वो क्लासेस के अगेंस्ट ही काम हो रहा होता है, यानी कि आप क्लासेस को रिलेट कर रहे होते हैं कि भाई लेट सपोज मैंने गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, तो मैं क्या गूगल जीमेल पे भी जाऊंगा, कोई मुझे बताएगा अगर मुझे गूगल फॉर्म बनाना है तो क्या मुझे जीमेल पे जाना जरूरी है? जीमेल जीमेल हमारी जो ईमेल आईडी है उधर जाना जरूरी है, क्या कहेंगे? कभी भी नहीं। अगर आपने गूगल फॉर्म बनाना है या गूगल डॉक बनाना है या आपने गूगल ड्राइव पे जाना है, आपको जीमेल खोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपनी गूगल ड्राइव पे जा सकते हैं। इसी वजह से आपको कोई भी स्टेप कॉल करने के लिए वन बाय वन जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आप मेथड कॉल कर सकते हैं और ये आपका यहाँ तक चल जाएगा। तो आई विल कीप इट दिस सेशन टिल हेयर, अनलेस अंटिल वी गो ऑन टू द कॉम्प्लेक्स पॉइंट विच विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको इसमें से कोई सवाल है तो वो आप करें, और अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर। प्लीज गो अहेड, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लासेस टिल नाउ वो यहां तक पूछ सकते। एक्सक्यूज मी सर, बढ़िया जी सर आई जी हैव अ प्लीज बोलिए। क्वेश्चन सर। हमें कैसे पता चलेगा कि एक क्लास में हमने कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए या कितनी दफा इंस्टेंटिकेशन हमने की है इसमें, वो डेटा हमारे पास कैसे सामने आ जाएगा? कितने मेथड ऐड कर दिए आपने? कितने ऑब्जेक्ट्स, लाइक हमने बबल्स ऐड किया उसमें, हमने लियो ऐड किया, डिफरेंट जो हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं या इंस्टेंटिकेशन हम करते जा रहे हैं ठीक उसमें, तो हमें कैसे पता है चलेगा ठीक इस क्लास में इसके अंडर हमारे इतने ऑब्जेक्ट्स आ गए? है, तो ये है इंस्टेंसी
ठीक है, इंस्टेंसिएशन। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, अगर आपने इसी सवाल का जवाब आप दें, अगर आपने मल्टीपल लिस्ट बनाई हुई है, अगर आपने मल्टीपल लिस्ट बनाई हुई है तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो बनाई हुई है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपकी वर्क सिनेरियो से आपको पता चलता है ना कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए हुए। मिसाल के तौर पे लास्ट जितने भी हमारे सेशन गुजरे हैं, हमने मल्टीपल लिस्ट मल्टीपल डिक्शनरी बनाई है, तो वो आपको कैसे पता चला बताइए? वो तो आप जिस सिनेरियो में होती है उसी सिनेरियो में आपको अंदाजा होता है ना कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जो भी आप इंस्टेंस बनाएंगे, जिस तरह के अगर आप सेशन 12 में चले जाएं, सेशन 11 में चले जाएं, सेशन 8 9 10 में जाएं, तो आप देखेंगे आपने लिस्ट के पता नहीं कितने इंस्टेंसेस बनाए हुए होंगे, बाकी कितनी चीजों के इंस्टेंसेस बनाए हुए होंगे। आपको जो है क्या कहते हैं, खुद आपके सिनेरियो में आपको पता होगा तो वो आप याद रख सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में हेल्प का भी जो है वो एक कीवर्ड होता है वो आपको बता देते हैं कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं। अगर मुझे याद नहीं आ रहा सही, यहाँ पे ये मुझे बता नहीं रहा। लेकिन खैर, आपको अपने सिनेरियो में जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो याद पड़े, ये इंस्टेंसेस मैंने बनाए। मैंने एक और बात पूछनी जी, पूछें। जी सर, वो एट्रीब्यूट्स की लिस्ट देखने के लिए DIR कमांड से क्या एट्रीब्यूट की लिस्ट भी आ जाती है? क्योंकि एट्रीब्यूट हमने क्रिएट किए हैं, पता नहीं चलता कितने एट्रीब्यूट क्रिएट किए हैं क्लास के अंदर। ड्यूट को कॉल करें तो ड्यूट के अंदर आपके पास क्या क्या आ रहा है? फूड का आपने एट्रीब्यूट ऐड किया था, फ्रेंडली का आपने जी एट्रीब्यूट ऐड किया था, सर, फ्रेंडलीनेस की आपने मेथड ऐड किया था, मेमोरी का कभी किया होगा मुझे याद नहीं है, पर किया होगा, तो ये सारी चीजें आपके पास इधर आ रही ठीक है है। देखिए, ये सर। जितनी भी चीजें आपने ऐड की हैं वो आपके पास डायरेक्टली आ रही है। एनीथिंग एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, जितने आपने इंस्टेंस बनाए होंगे वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिस भी फाइल पे, तो आप वहाँ से इंस्टेंस देख भी सकते हैं कि आपने कौन कौन से इंस्टेंसेस बनाए हुए हैं, और अच्छी तरीके से अपनी क्लास को फर्दर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल पूछें? और कोई बात पूछिए या फिर खत्म करें? अब्दुल्ला सर, प्लीज आप। डबल स्क्वायर वाले फंक्शन तो हमने बनाए नहीं थे, ये भी आ गए इसके अंदर। कौन से कौन सही, डबल से स्क्वायर बनाए वाले थे? कुछ फंक्शन हाँ नजर आ रहे हैं, हमने बनाए तो नहीं थे लेकिन फिर भी आ गए हैं। चीजें बाय डिफॉल्ट होती है ना, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, वो पाइथन से खुद ही उठा रहा है, कुछ ओके चीजें ओके आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है जब आप क्लास को कॉल करते हैं। जब आप क्लास को कॉल करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपको कुछ चीजें वो बाय बाय डिफॉल्ट दे देता है। ठीक है, और कुछ सही है जो सर, हमने क्लियर है फंक्शन चीजें। जो हमने जो जो हमने जो भी मेथड हमने जितने भी हमने मेथड जो मेथड या एट्रीब्यूट बनाए हैं वो आपको अलग से नजर आ रहे हैं, उनका उस पर वालों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो बिल्ट इन फंक्शन है सम के, या बिल्ट इन फंक्शन है मिनिमम के मैक्सिमम के, ये आपके पास कैसे है? तो बिल्ट इन है ना, वो आपने तो नहीं बनाया, लेकिन पाइथन फिर भी आपको देता है। सिमिलरली पाइथन कुछ आपको यहाँ पे भी चीजें देता है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? कि ओके सर, आपके पास जिस तरह बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, इसी तरीके से आपके पास कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट या ड्यूंडर आपके पास मेथड अवेलेबल है जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, और कोई सवाल पूछ ओके रहे थे? तो यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए अभी के लिए, ताकि आप आगे का जो सेशन लेंगे क्लास से रिलेटेड वो आपको आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट पोस्ट ऑन ऑन द यूट्यूब, या अदरवाइज मेरा नंबर गिवन है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको अपनी टीम से करवा सकूँ। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन
नेक्स्ट संडे, ठीक है।